खबर शामिल करते हैं शोपरा से, जहां एजाज अहमद खान काकड़ नायब सदर पंजाब एप्समा की जेरे क्यादत शोपरा के सीनियर अहदेदारान जिनमें मानावाला से मलक मोहम्मद अरशद थीम, प्रिंसिपल वाइट रोज कॉलेज और दीगर अहदेदारान के साथ मिलकर नए आने वाले सीईओ एजुकेशन मलक मंजूर अहमद साहब से इनके ऑफिस में मुलाकात की और इनको खुशामदीद कहा और यकीन दिलाया कि शोपरा में एप्समा हर मुमकिन तावन जारी रखेगी और तालीम को आम करने में सीईओ की मदद करेगी। बाद में सीईओ मलक मंजूर अहमद ने एप्समा के अहदेदारान से खिताब करते हुए कहा, इदारे की बात के साथ बेटियों की मैरिज हो गई तो इदारे बंद हो गए, तो जो बंद इदारे हैं वो कोई फीड ना हो, वो तब उनको आपने खत्म करवाना है। ये भी इसके साथ साथ हमारा जो है ना मॉडल है मीटिंग करने का कि हम हर एक तक पहुंच जाए आपके जरिए से, और इस चीज के अंदर पूरे जिले को ये जो है ये मैं आगे इंशाल्लाह क्रिएट करूंगा कि ट्यूशन फाइन दिया जाए और फाइन करने की बजाय उन इदारों को एक रन टाइम दिया जाए और जो पहले से भी स्लैकनेस थी उसको कवर अप करने के लिए एक फैसिलिटेट किया जाए। मलक मंजूर अहमद ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेंगी मुहिम पर अपने ख्यालात का इजहार किया और तालीमी मैदान में प्राइवेट स्कूल्स की काविशों को सराहा और इस अमर की यकीन दहानी करवाई कि प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल को हल करे किया जाएगा। बाद में एजाज अहमद खान काकड़ ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया।